30 व 31 मार्च को दो दिवसीय वुशु दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैम्पियनशिप में दिल्ली क्षेत्र के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप चल रही है वुशु की, तो ये वीमेंस के लिए वुशु कितना फ़ायदेमंद है और इसका क्या फ्यूचर है? अच्छा सर, दिल्ली एमेच्योर वुशु एसोसिएशन ने पहली बार ये करवाया है, तो इसमें चैम्पियनशिप के दौरान राष्ट्रीय कोच राजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली स्टेट द्वारा यह चैम्पियनशिप बीते 15 वर्षों से आयोजित की जा रही है। सर, हमने यहाँ पर तीनों कैटेगरीज कराई हैं, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर, और ताउलू का इवेंट 72 गोल्ड मेडल्स हम यहाँ पर देंगे बांटेंगे बच्चों को, क्योंकि और हर अलग कैटेगरी सब जूनियर्स के अलग है, जूनियर्स के अलग, सीनियर्स के अलग, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल मेडलिस्ट इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, और जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको दिल्ली सरकार स्कॉलरशिप देगी, और जो यहाँ मेडल जीतेंगे वही लोग आगे दिल्ली की टीम जो नेशनल्स में जाएगी उसके ट्रायल देने के लिए एलिजिबल होगी। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ SSB, CRPF, ITBP, एयरफोर्स, आर्मी जैसी बड़ी टीमें खेल रही है, कंपटीशन का लेवल बहुत बड़ा है, और दिल्ली एमेच्योर वुशु एसोसिएशन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन में से एक है, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है वुशु के अंदर, बहुत ब्राइट है। वुशु एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो 2002 के बाद एशियाई खेलों में सिर्फ मेडल जीत पा रही है, दोहा में एक मेडल, ग्वांगझो में दो और इंचोन में दो मेडल, मतलब तीन एशियन गेमों में 5 मेडल हमने जीत चुके हैं, और एशियन गेम्स में मेडल जीतना आप भी जानते हैं बहुत आसान नहीं है, बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस, हम इसे सेल्फ डिफेंस से भी ले सकते हैं और गेम के तौर पे भी, दोनों तरह से गेम के लिए, तो हम आगे अपना परफॉर्मेंस आगे अप करने के लिए, और सेल्फ डिफेंस आगे अप कोई भी प्रॉब्लम है हमें उसके मुकाबले वुशु कितना स्ट्रॉन्ग है, जो और स्पोर्ट्स हैं उसके मुकाबले आप इसका कंपैरिजन करें तो आप कितना प्लेटफॉर्म पे मजबूत मानते हैं? सर, ये सेल्फ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा है, और गेम के तौर पर भी तरह से बहुत आगे तक एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है हमारे, जो दो अर्जुन वाड़ी हैं और एक बॉयज़ है संध्या देवी और संध्या रानी, जैसे अदर स्पोर्ट्स में जॉब मिलती हैं तो इस स्पोर्ट्स के बिहाव पे भी जॉब मिलती है? हाँ जी, वुशु से मैं CRPF में वुशु पार्टिसिपेट किया है, मैं 2007 से खेल रही हूँ, 3 नेशनल गेम्स है, नेशनल चैम्पियन हूँ और इंडिया कैंप लगाया हूँ। कितना टाइम आपने दिया है अभी वुशु को? 7 से लेके अभी तक वुशु में 7 साल, 2007 से। वुशु की जो दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप चल रही है, दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर काफ़ी सारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और आपने वुशु के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, अभी क्या एक फ्यूचर और क्या एक स्ट्रॉन्गनेस जो लग रही है वुशु की वो क्या है? वुशु को अच्छा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि सारे जितने डिपार्टमेंट हैं CRPF, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी जॉब्स दे रही हैं, इसलिए और गेम से मुझे लगता है कि ज़्यादा स्कोप है बच्चों को, क्योंकि गेम नया भी है, थोड़ा कम से भी कम है, काफ़ी इंजॉयमेंट और फायरिंग गेम है, ये जी लेवल है उसको कैसे मेंटेन करके चलते हैं? प्रैक्टिस ऑलमोस्ट लाइक। कितना टाइम दे पाते हैं आप अपने खेल को? मैं अपने 6 घंटे देता हूँ। 15 साल में क्या कुछ अप डाउन आपने देखा है? अप डाउन में देखा, गेम में आप
भी हो रहा, डाउन तो हो नहीं रहा, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था उसके हमारे गेम में एक भी अर्जुन बॉडी नहीं था, लेकिन तीन अर्जुन बॉडी है हमारे पास और इंटरनेशनल मेडल बहुत मुश्किल आते थे। आप कंटिन्यू तीन चार साल से हमारे सीनियर प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल मेडल दे रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, हर जगह मेडल दे रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में एशियन चैंपियनशिप है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसमें क्या कुछ आपकी तैयारियाँ अभी से? मेरी तैयारी चल रही है अभी से, वर्ल्ड चैंपियन तैयारी चल रही है। अब स्थानीय वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मैं अब उसके बाद गोल दूँ, सर सीनियर टीम को तो कोचिंग देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जूनियर टीम को जब कोचिंग दी जाती है तो काफ़ी सारे समस्या आते हैं। जूनियर से भी ज़्यादा टफ होता है सब जूनियर, क्योंकि वो हमारे समझ से बाहर होते हैं बच्चे, सबसे पहले फीलिंग्स उनके कॉन्फिडेंस के साथ टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके बाद बच्चे टीचर को समझते हैं, टीचर को बच्चा बनना पड़ता है, तब जाके टीचर पेरेंट्स का कुछ दबाव रहता है कि हमारे पेरेंट्स का दबाव एक्चुअली क्या होता है कि जो पेरेंट्स स्पोर्ट्स से अटैचमेंट है वो जानते हैं बच्चों को मेहनत करना चाहिए, और जिन पेरेंट्सों ने कभी स्पोर्ट्स में मेहनत नहीं की तो उनका दबाव पूरा बच्चों पर ये रहता है कि स्टडी में ध्यान स्पोर्ट्स में, बट स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का जितना ध्यान देगा, स्पोर्ट्स बच्चा जितना ध्यान देगा उतना माइंड फ्रेश होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। नॉर्मली बच्चे को जैसे वुशु के अंदर अचीवमेंट्स लेने के लिए कितना टाइम लेना पड़ता है? अराउंड 6 मंथ बेसिस ट्रेनिंग होती है बच्चे की, देन आफ्टर टीचर पे डिपेंड करता है टीचर कितना क्वालिफाई है, क्योंकि वुशु एक प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल गेम है, अगर टीचर ने प्रैक्टिकल या थ्योरिकल करा है तो डेफिनेटली वो टीचर बच्चे में भी ये दो चीज़ क्वालिटीज इन्वॉल्व करेगा, और बच्चा कैसा भी हो डेफिनेटली वो टैलेंट हो। पर डे प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए? वुशु की प्रैक्टिस मैक्सिमम 2 आवर्स तो देना जरूरी होता है। सर वुशु चैंपियनशिप में आपके बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की और गोल्ड लेकर के आज आपके सामने खड़े हैं, दोनों गोल्ड। तो क्या कुछ इनकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फेक्शन है आपको? दोनों बच्चों गोल्ड मेडल हुआ है इनका, 42 में। कितनी सेटिस्फेक्शन है आपको इनका परफॉर्मेंस देख कर? हाँ सर, कितनी इनकी परफेक्शन से खुश हुआ, और अभी छोटे बच्चों ने मेडल निकाले हैं। कहाँ से बच्चे आप, कहाँ से कौन से स्कूल से हैं और किस कैटेगरी में आपने? बोलो ना कि किस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया, और गोल्ड आपने लिया है?